पटियागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम मंगरोन जहाँ की दलित बस्ती है वार्ड नंबर एक। वार्ड नंबर एक की तादाद के है मकानों की करीब 50 से 60 घर जो समस्या से पीड़ित हैं कि उन्हें शौच करने के लिए ना तो कोई जगह है और ना ही शासन से चल रही योजना का लाभ जो मर्यादा शौचालय के दौरान बना है ना ही उनको वो योजना का लाभ मिल पा रहा है। मेरी एक बेटी है, दो बहन है, इसके लिए सबके लिए परेशानी है, सारे मोहल्ले की लड़कियों के लिए मर्यादा उल्लंघन हो रही है और होने की तलाश में जा रही है और सब लोगों के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है। विकलांग है, खड़ी भी नहीं बना होता, टट्टी वगैरह जाते हैं तो कुड़ा रखने जाते तो वहाँ से कि पहुँची तो गेल में भरा जाते हैं, वहाँ से आकर नहाना पड़ा हम लोग। विकलांगों को अलग से शौचालय दे रही है सरकार और हम लोगों को कुछ नहीं है। बहुत इन सचिव के पास शिकायत की और दो चार जगह शिकायत की, फिर उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद हमने वीडियो बनवा कर हमने बटियागढ़ में दिखाओ आपके साथ में, तो फिर सचिव ने हमारा ब्लॉक वो करो, कल तुमने ऐसे सब क्यों करो, क्या बेकार देंगे हमें नहीं कर होगा तो आप आई कल तो ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने काम लगा दो 2014 में काम लग गए हमारा, उसके बाद शौचालय बन गए। आप ये बदलाव कैसे आया है, क्या कोशिश की गई थी? ये आरती बाई आई थी ना तो उनने वीडियो बनाया था, तो हम लोगों ने उससे बोली थी आरती बाई से कि हमारे यहाँ पर गंदगी होती है तो दीदी हमारे यहाँ एक शौचालय चाहिए, तो भर लेगी ना वीडियो में, तो उनने हाँ सचिव बताया तो सचिव ने वो बात पास करी आरती बाई की, तो काम हमारा हो गया। 2015 से स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ, उसमें इस बस्ती के जितने भी शौचालय बने किसी से पैसा भी नहीं लिया गया है और इन्हें योजना का लाभ भी मिला है। अब आप उस रोड से निकलती हैं तो आपको कैसा लगता है जहां आप पहले गंदगी देखते थे? अब सही लगता है, अब हम भी यहाँ अच्छी लगता है। वो आरती बाई आती तो वो भी अच्छी बोलती है कि क्या अच्छा काम किया हमने, तो चमक गया मंगरोन वार्ड, अब यहाँ पर गंदगी नहीं होती है। मैं आरती वाल्मीकि, ग्राम मंगरोन, भटियागढ़ ब्लॉक, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड।